मंदिर में लेंटर पड़ रहा है जहाँ पे हमने परसों काम किया था। अच्छा तो भात दाल वही है? भात दाल वही है। तो यहाँ पे भाई हमारा तैयार बिल्कुल मस्त और भाभी भी तैयार। चलो तुम भी आ रहे हो? नहीं है। किले राम राम कर दो दोस्तों को। राम 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 राम। भाई दोस्तों ठंडा भी हो रखा है बिल्कुल कड़क और सुसल डिमरू की क्या मिल चाय पी सड़क। जब तक चाय नहीं पीता तब भैया चाय न्याण बोटी थे। हम गए थे अभी वृंदावन। अच्छा पूरे दर्शन करके आए वहाँ चारों तरफ। मजा आ गया, मतलब घूम के आया, आनंद आ गया। आनंद आ गया ना बिल्कुल। बहुत ऐसे होता है भगवान के शरण में जाओगे तो आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद है। सुप्रभात दोस्तों, एक बार फिर से एक नया दिन और एक नए दिन के साथ दोस्तों एक और नया ब्लॉग। तो सबसे पहले प्रणाम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और हम एकदम मस्त है। तो चलिए एक बार फिर से नई वीडियो की नई शुरुआत करते हैं। आइए फिर कुछ खास करते हैं दोस्तों। अभी सुबह के 6:55 का टाइम हो रहा है और 6:30 लगभग मैं उठ गया था और सेम उसी टाइम पे मतलब ना धूप वगैरह भी आ गई थी बिल्कुल बढ़िया से। यहाँ देखो चमचमाती हुई धूप लग गई है बढ़िया से। बाकी दोस्तों कल तारकेश्वर धाम से भी बिल्कुल ठीक टाइम पे आ गए थे बढ़िया से। और भाई लोग भी ठीक टाइम पे बोला ऐरोली पहुंच गए थे और मेरा भाई भी सुबह घर में पहुंच गया था। कल एक दिन की छुट्टी थी तो वो घर आ गया और बोला आज तैयारी हो रही है। तो मेरी तैयारी भी है दोस्तों कूड़दार जाने की। तो कुछ ही देर में घर में निकलेंगे क्योंकि भाई को 2 बजे जो है वो ड्यूटी पर पहुंचना है बोले। तो ठीक टाइम पर हम घर से भी निकल जाएंगे। स्वागत है भाई दोस्तों आप सभी का हमारे स्वर्ग में। स्वर्ग में मस्त करके हल्के फुल्के प्रतिदिन की भांति यहाँ पे बादल लगे हुए हैं। बाकी माँ भी लगी हुई है खाना वगैरह बांटने पे। तो माता श्री राम राम। राम राम। क्या हालचाल आपके? ठीक है। क्या बात है, सुबह सुबह चाय सड़का रहे हो? रहा हूं। चलो बढ़िया है। बाकी यहाँ पे देखो भाई भाई भी सुबह सुबह खाना खाने लग गया है क्योंकि हम फटाफट से जाएंगे और माँ ने मेले भी रखा है। खाने में क्या है? दाल भात। दाल भात। ओहो रोजा रोज दाल भात। बाकी रात को दोस्तों यहाँ देखो रात को गाजर का हलवा भी बना था बिल्कुल बढ़िया से। तो अब ठीक हो गया? रात को थोड़ा कम हो जाता शायद। मूड जल मोटा मोटा लकड़ लगा दी मूड। अब खाएगा। ओ। साथ ही हमारे बात की जाए दोस्तों पहाड़ी डिग चे की तो डिग चे के हाल भी फिलहाल मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। घड़े में इसको ठीक कर दिया जाएगा है ना? तो मुझे रोजा रोज खराब हो जाए। क्या वाली है? 24 घंटा था। हाँ वो इधर कुछ वाली को ठीक। अभी 7:08 का टाइम हो रहा है दोस्तों और बढ़िया से हमारा खाना पीना हो गया है और अब फटाफट से निकलते हैं कूड़दार की तरफ हमारा बिल्कुल मस्त से। तो यहाँ पे भाई हमारा तैयार बिल्कुल मस्त और भाभी भी तैयार। चलो तुम भी आ रहे हो? नहीं। हैं किले नहीं। राम राम कर दो दोस्तों को। राम राम। राम राम। चलो भाई जय श्री राम। जय श्री राम। तो बताओ भाई आज के क्या काम काज है तुम्हारे? आज वो लेंटर रखेंगे। कहाँ? ये इसको बदल दिए, कितना गंदा हो रखा है। अरे नहीं यार ऐसे चला जाता हूँ मैं, कहाँ लगे हो तुम? और गंदा बता हो रखा है वो। अरे छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, काम काज बताओ तुम आज के। पहले मंदिर में लेंटर पड़ रहा है जहाँ पे हमने परसों काम किया था। अच्छा तो भात दाल वही है? भात दाल वही है। अच्छा तो चलो ठीक है फिर। जय भोलेनाथ। हाँ मठ मठ के लीजो ला में। आज है आजा मिल वाला था। अच्छा बैठ जा कहा मिल वाल बैठ था कहा चल ठीक है। ए कालो ये बांध दिया ली। हाँ चल ठीक। क्या हाँ हाँ भाई दोस्तों धूप इतनी खतरनाक लग रही है। अभी 7 ही बज रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि दोपहर हो गया होगा, बोले तो दिन हो गई होगी। भाई इतनी खतरनाक धूप लगने लग गई है सुबह से। धीरे धीरे करके मौसम चेंज हो रहा है तो पहाड़ों में भी गर्मी का एहसास होना शुरू हो चुका है दोस्तों। शहरों में तो लगभग हो ही गया होगा बट अभी भी हो रहा है। हाँ हाँ कागज दरिया छी सब दरिया तुम चलाना क्या सब सब? हाँ लाइसेंस लाइसेंस दरिया तुम भी आना सके गाड़ी तुम चलाना क्या तो तक है? नहीं यार
तो भाई दोस्तों एक खुशखबरी की बात है, मेरे डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हो गए हैं, मेरा लाइसेंस था वो भी आ गया है। राम राम। चल दे दीपू भाई। ओके। अरे छम घुंगरू बजनी, ओ छम घुंगरू बजनी, बजनी ते लखोला धक धड़किन झिकुड़ी झिकुड़ी मैं लखोला। चाहे धूप दोस्तों कितनी खतरनाक भी क्यों ना ही लग रही हो, बट सुबह सुबह ना ठंड तो है ही यार। सुबह जैसे ही बिस्तर से बाहर निकलो अजर गए तैसी कर रही है कि झर ठंड तो लगी रही है। जब तक चूल के सामने ना बैठो ना तब तक मतलब बॉडी गर्म नहीं हो रही है। अभी दोस्तों गाड़ी भी बाहर निकाल दी है मस्त करके, और गाड़ी का कुछ काम है तो उसको भी ठीक ठाक करवाना है। पता क्या काम है, ये देखो ये वाली चीज ना बहुत ढीली हो गई, पता नहीं कि इसके अंदर की शायद पट्टी टूट गई होगी और तब इसको चेंज कराना पड़ेगा। यहाँ देखो यहाँ पर गैप आ रहा है बहुत ज़्यादा। अरे दिक्कत और आ रही है गाड़ी में, वो दिक्कत ये है कि दोस्तों स्टार्ट ना जब मैं सुबह सुबह स्टार्ट कर रहा हूँ तो स्टार्ट नहीं हो रहा, खच 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 फिर बंद, खच 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 फिर बंद, मतलब काफ़ी टाइम लग रहा है उसको स्टार्ट होने में। ये तेल की वजह से भी हो सकता है क्योंकि यहाँ ना तेल खराब वगैरह आता है, तो यार जग जगह से तेल भराने में क्या होता है कि कूड़ा वगैरह रहता है उसमें, तो थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क पड़ जाता है, तब जाके ये भी होता है। और एक आध रीजन शायद और है इसके, देखते हैं शोरूम में जाएंगे वहाँ पूछेंगे क्या हिसाब किताब है। ठीक 9:30 का टाइम हो गया है और हम पहुंच गए हैं सिसलडी। बाकी भाई दोस्तों ठंडा भी हो रखा है बिल्कुल कड़क, और सिसलडी में रुके हम मिल चाय पियो सड़क, जब तक चाय नहीं पियो तब तक भैया चाय न्याण बॉडी थे सुन्न हो गया हाथ बिल्कुल खतरनाक है। बाकी तो जो थकती यार भाई कन बानी पूड़ी रह जाए हमें घर हम फसोरिक। अरे पहुँच गयो ये तुरजो भाई साहब, मतलब पूड़ी नहीं रह जा फसोरिक, मतलब आराम से रह जा, मतलब बाकी गाँव देखना है। 6:30 आ जाओ भाई, और 7 or 8 बजे तक इन लाने झड़ी कत दोपहर हो गए, इन लाने 2 बज गए भाई, बताओ था अब जल्दी उठो पड़ो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक 12 बजे का टाइम हो रहा है दोस्तों और कोटदार पहुंच चुके हैं, भाई भी चला गया है सीधे अपने कमरे में। बाकी मैंने बिष्ट जी को फोन कर दिया था तो बिष्ट जी मेरे साथ आ गए हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे डायरेक्ट शोरूम क्योंकि शायद कल संडे है, संडे है ना, कल संडे है तो आज ही दिखानी पड़ेगी जो भी है, तो जो भी काम है चलते हैं फटाफट से शोरूम और वहाँ काम वगैरह करवाते हैं। बाकी पहले बिष्ट जी के हाल चाल जान लेते हैं। बिष्ट जी क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया हाल है। कहाँ कहाँ घूम के आओ पहले ये बताओ। हम बढ़िया है, आप घूम के कहाँ आए ये बताओ। हम गए थे वृंदावन। अच्छा, पूरे दर्शन करके आए वहाँ चारों तरफ, मजा आ गया, मतलब घूम के आया, आनंद आ गया, आनंद आ गया ना बिल्कुल, बहुत ऐसे होता है भगवान के शरण में जाओगे तो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। चले फिर जिंदगी में, हाँ और कुछ नहीं है जिंदगी में, चले फिर चलो।